देखिए कितना छोटा कर दिया ना, और अमरूद का पेड़ जहां से मैं तोड़ के खाती, ये भी बिल्कुल छोटा हो गया, कटाई छटाई पूरी हो गई है। कड़ी पत्ते का पेड़ काट दिया है क्योंकि छटाई कर देते हैं ना माली, अब मैं बार बार यहीं आती हूँ भाग के कि यहाँ से कड़ी पत्ता ले लेती थी, अब ऊपर हमारे गमले लगे हुए हैं वहां से जाके तोड़ के लाऊंगी। हमारे नहीं, पड़ोसियों के हैं, खूब तोड़ते हैं खाते हैं। और वैसे भी बताऊँ, उत्तराखंड में कड़ी पत्ता बहुत मिलेगा। ये है एक छोटा सा कड़ी पत्ते का पेड़, वैसे बहुत सारे हैं पर यह मिल जाता है, गमले में लगे हुए ना, ये काम चल जाता है हमारा। राई, सरसों और क्या होती है वो, कलौंजी, सब कुछ डलवा दें। लेकिन मैं खुद ही इसमें वैसे सरसों डलती है, और इनको पीनट पसंद है, सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आज पोहा बना रहे हैं, जाना है बेटी के स्कूल में फीस के लिए, तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, बाकी खाना भी लंच भी बना के जा रही हूँ, दाल चावल सब्जी रोटी। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि हम लोग ना हरी मिर्च खाते हैं ज़्यादा डेली यूज में ना, कभी कोई वैसी सब्जी बन गई जैसे पनीर है, दाल मखनी है, तो उसमें क्योंकि कलर के लिए चाहिए होता है ना, तो उसमें रेड चिली यूज करते हैं, नहीं तो मैं दालों में और उनमें भी हरी मिर्ची यूज करती हूँ। कहाँ गए ये शर्मा जी, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, सुबह से एडिटिंग करने में लगे हुए हैं, और आज बेटी के स्कूल भी जाना, मैंने आपको बताया पहले। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। हालांकि पता नहीं है कि ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी हमसे, पर अब उन्होंने कहा था कि आप घर का व्लॉग आपने बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया, आपने घर की एक्टिविटी दिखाया करो, और क्या बनाते हो क्या नहीं बनाते, हम क्या कैसे लड़ते वड़ते हैं, तो ये भी सब कुछ दिखाया करो, हमारी लड़ाई झगड़े और डेली उसमें हमारा घूमना फिरना सब कुछ आपको मिक्स दिखाने वाले हैं। तो देखिए कब तक होता है, ट्राई कर रहे हैं। और शर्मा जी बाथरूम में घुसे हुए आए नहीं अभी तक, चाय भी ठंडी हो रही है, पोहा भी ठंडा हो रहा है। तो भाई आज सोचा यार, एक दो पेड़ हमारे ना सदाबहार के पिछले सीजन में ख़त्म हो गए थे, ख़त्म इन द सेंस हम दिल्ली चले गए 3-4 दिन के लिए, वो सारे सुखा दिए क्या, ये वैसे भी पानी नहीं डालती है पेड़ों के अंदर। मतलब मैं ही करूँ काम, कुछ आप भी कर लिया करो। बोली बोली बोली, मतलब मैं ही करूँ काम, पानी की जिम्मेदारी मेरी है क्या, आप भी कुछ कर लिया करो शर्मा जी। फाइनली ये अपने आप को रोक नहीं पाई, आ रही है, मैं इसको पहले बोल रहा था आज कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। पेट में ना चूहे कूद रहे हैं, 2 बज गए, ये तो रास्ते में ना छोले भटूरे खा के आ गए हैं। अब मैंने बोला, मैंने कहा सीधा घर चलो, तो कह रहे एक बार यहाँ पे, पर ये है कि कुछ पर इसको एक चीज दिखाता हूँ, दूर से वो ऐसी नजर आ रही है अच्छी, वो तो देख लेते हैं उसको। तो भाई अभी आपको बिल्कुल लाइव बताएगी, क्या इसने ऐसी चीज कभी देखी है? नहीं देखी ये कैक्टस का। अभी आप ये बता दीजिए, इसको घर में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हाँ हाँ सही है, मेरा तो मन कर रहा, पर कह रही कैक्टस है ना घर में नहीं लगाते। नहीं, मेरे को पता नहीं है, पर मैंने कहा कुछ भी लगाओ ऐसी चीज, तो एक बार वो कर लो। वो कह रहे कि भैया ना ये इंडोर है, इंडोर प्लांट है ये, लक्ष्मण कमल का वो है प्लांट है ना। हाँ ये लक्ष्मण कमल है, तो यार बहुत ही यूनिक है यार, पहली बार देखे हमने तो जिंदगी में। ये भी अलग अलग है, बहुत अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी है। तो इसका बता दीजिए, इसका एक बार, हाँ इस बार कमेंट करके जरूर बता देना प्लीज कि इसको घर में। वैसे तो देखिए पेड़ पौधे हैं यार शुभ अशुभ मैं तो मानता नहीं हूँ, पर हमारी मैडम को थोड़ी इनकी चिंता रहती है। नहीं बाहर लगा सकते हैं, घर में नहीं, बाहर तो लग ही नहीं सकता। माली ने क्लियर बोला कि बाहर नहीं सर्वाइव करेगा, ये इंडोर प्लांट है, घर के अंदर लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अगर आप अलाउ कर दोगे इसको, बोल दोगे तो किसी को जानकारी हो इसके बारे में तो 2-4 ले चलेंगे। 3-4 कलर है, रेड है, येलो है, पिंक है और एक ब्लैक है, ब्लैक भी बनाते हैं वो, हैं बनाते हैं, इनको कलर है ना। हाँ इसमें तो यार पहली बार देखा है, कब से शुरू, हम पहली बार तो मतलब जब आए थे जब नहीं था कुछ भी है। नहीं एक्चुअली वैरायटी चेंज कर रहे हैं ना धीरे धीरे। अच्छा नहीं 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 वैरायटी मंगा रहे हैं इसमें, ये जरबेरा का है। अच्छा ये वाला, ये जी जी, ये कितने का है? ये मान के चलो 150 रुपये का, वो 400 का, और छोटे वाले 200 रुपये का। 200 रुपये कितने सुंदर सुंदर डिजाइन है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। पर मुझे एक बुद्धा की ना बड़ी सी लेनी है, वो मिल नहीं रही है, जो हम चाह रहे हैं ना उस टाइप की बुद्धा की मिल नहीं पा रही है।
वैरायटी तो बहुत ज्यादा है हर चीज की, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आके ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या लूँ क्या लूँ, सब कुछ अच्छा लगता है। भाई हमारी एक दो बालकनी है, एक बालकनी में हम सोच रहे हैं कि कुछ ना उसको डेकोरेट कर दें। वहीं से कर लेते हैं ना, ये शर्मा जी ना हमेशा उल्टा काम करते हैं, बाहर ही खड़ी नहीं कर देते, थोड़ा सा पैदल चले जाते। जाम कर दिया पूरा रास्ता। जाम नहीं करा है, पूरा का पूरा खाली पड़ा था, कोई गाड़ी नहीं थी। हाँ। अब इसको दिक्कत ही कह रही थी कि वहीं से बैक करो, मैंने कहा कोई बात नहीं बैक बैक ले जाते, क्या दिक्कत है। हाँ। अब बेल्ट लगा रहा हूँ, कभी बोल दो जरा सा कटिंग हो गई तो बेल्ट भी लगाई है। हाँ। तो ये बिना बेल्ट के बैठी थी, बस अभी तो उतर ही रहे, मैं सबसे पहले बेल्ट लगाती हूं। पता है क्या, मैं एक चीज बता दूं भाइयों कि बहुत से लोग जो बेल्ट के लिए बोलते हैं ना, खासकर हमारी गाड़ियों में, बहुत सी गाड़ियों में होता है, इसलिए ना सिर में दर्द कर देते, पी 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 पी, इसलिए अपने आप ही बेल्ट, इसलिए बेल्ट लगानी पड़ती है। वैसे मेरी बेल्ट की वजह से इरिटेटिंग नहीं, मुझे आदत ही है बैठते ही बेल्ट लगाना। नहीं, हम लगभग 99% से 99.99% बेल्ट हमेशा लगाते हैं। और शर्मा जी कभी भूल जाते हैं तो मैं याद दिला देती हूं। वो गाड़ी याद दिला देती है, कोई भी दिलाने की जरूरत नहीं। ये पता नहीं आज क्या घूम रहे हैं, स्कूल में कॉलेजेस में सब जगह शायद चेक करते हुए घूम रहे होंगे लोग ना, है ना, कुछ आर्मी या पुलिस से कुछ रिलेटेड लग रहे थे, क्योंकि हम बेटी के स्कूल गए थे आज, वहाँ पे भी आए हुए थे ये सब। तो भाई इसलिए बुलाया था कि उनको फीस लेनी थी ऑनलाइन, सबमिट नहीं करी थी बहुत सारे पेरेंट्स ने, पर एक टेक्निकली मुद्दा है यार, आप उतनी फीस कैसे ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का तो डिफरेंस होता है पूरा का पूरा, और फिर वो क्वालिटी नहीं है, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं पर पहाड़ों में जो बच्चे हैं या जो गरीब पेरेंट्स हैं वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे भाई इतनी बड़ी फीस। तो सरकार को तो यार देखिए, जो इतना बड़ा फंड दिया है, सब्सिडी दे रहे हैं, स्कूलों को देनी चाहिए भाई, जो बेचारा पेरेंट्स अगर चाहे उसको सब्सिडाइज कर दें स्कूलों को, ताकि स्कूल उसको में टीचर्स है वो प्रॉपर जॉब कर रही हैं। बिल्कुल, स्कूलों का पूरा मैनेज, वो घर में बैठ के, अब हमारे यहाँ ही नीचे है तो उनके उनकी दादी बाहर लेके बच्चों खड़ी थी, मैंने कहा मम्मी कह रही वो क्लास ले रही है, तो वो तो अपना टाइम पूरा दे रही है। भाई मेरे ख्याल से जो बर्डन आया है ना, देखिए जिनके धंधे बंद हुए हैं उनके ही बजाय है ना, ना तो किसी प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, ड्राइवर, जो भी स्टाफ है किसी की पे नहीं आना चाहिए था ये फंड, जो फंड इसको बर्डन को बियर करना था सरकार को, इतनी आप सब्सिडी दे रहे हैं अलग अलग उसमें, तो इसमें भी देते गरीबों के भाई, कुछ भला हो जाता बच्चों को, टैक्स तो भरते हैं ना लोग। हाँ। तो थोड़ा तो चलो जो अच्छा खाप कमा रहे हैं उनको नहीं, पहली बात तो देखिए लोअर बिल्कुल नीचे है उनको तो थोड़ा सा दो, दिल खुश तो बोल देना चाहिए था, दिल खुश तो तब होता कि भाई जैसे मान लीजिए हम 25 साल से टैक्स भर रहे हैं, सरकार बोलती है कि भाई शर्मा जी आपका, अब हमारा जो रेवेन्यू जहाँ से आता था वो लगभग 90% खत्म हो गया है, तो कायदे सरकार बोलती है भाई चलो आपने इतने सालों टैक्स भरा है, पिछले साल का जितना टैक्स है आपको माफ़ कर देते हैं, या फिर कुछ एक रिस्पेक्ट होती है सरकार के लिए फिर, कि भाई और मन करता है कि भाई हमारी मुसीबत में लोग काम आएंगे, या इस बार आधा भरेंगे उस तरीके से कुछ करना पड़े। जो उसका लड़का है क्या नाम है, आदित्य चोपड़ा, क्या नाम है, उदित नारायण का बेटा आदित्य नारायण, जो इतना बड़ा सिंगर है, इतने फेमस सेलिब्रिटी है, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास अक्टूबर में है ना मात्र 17,000 रुपये की सेविंग है, अगर इस बार भी मेरे को काम नहीं मिला तो उसको अपनी बाइक बेचनी पड़ेगी। तो भाई ये छोटी छोटी जो बिल्कुल ही गरीब है ना उन बेचारों का क्या हाल होगा, पता तो थोड़ा सा सरकार को प्रैक्टिकली होके सोचना चाहिए था, क्या कर सकते हैं भाई, हर हर महादेव। तो भाई ये मजाक वगैरह, मजाक क्या थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह शेयरिंग चलती रहेगी आप लोगों के साथ, जो हमारे भाव आ रहे हैं जैसा बताना चाह रहे हैं। तो बाकी यार यही वाली बालकनी थी, अभी तो इसका थोड़ा सा ना कचरा हुआ पड़ा है, इसको ठीक करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पे मूर्ति एक हमारी मैडम को चाहिए कि कह रही है ना बुद्धा की एक बहुत बड़ी बड़ी सी मूर्ति लगाने के लिए, और बाकी देखते, क्योंकि दिमाग में कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे कैसे सजाएं, अगर आपके उसमें दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बता दो। बाकी हम स्कूल गए थे, स्कूल से लेके यहीं तक आने में और नर्सरी के अंदर जाने में इतनी गर्मी होगी कि आते के साथ दोबारा नहाना पड़ा, और नहा धो के मैंने कहा चलो आपसे लास्ट में क्लोज करते हैं। तो भाई आज तो गंगा जी हम दिखा नहीं पाए, क्योंकि देखिए डेली व्लॉग के अंदर तो कभी दिखा पाएंगे कभी नहीं दिखा पाएंगे, वैसे ज़्यादातर तो दिखाई देते हैं, क्योंकि देखिए हफ्ते में अगर 6 दिन तो कोशिश करेंगे, 5-6 दिन तो व्लॉग आ जाए, 7 दिन नहीं आ पाए तो पहले हम 3 करते, पहले 1 करते थे 10 दिन में,
फिर तीन करे हफ्ते में, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन क्या, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन से टोटल चार लोग आ जाते हैं हफ्ते के अंदर। अब कोशिश कर रहे हैं या तो पाँच हो जाएंगे, छः हो जाएंगे या सात हो जाएंगे, मतलब पाँच तो होंगे होंगे पक्का। सैटरडे संडे हम ऑफ ले लेंगे पूरा का पूरा, तो गंगा जी भी दिखा दिया करेंगे। मैं नहीं, वैसे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी, इनको डांट भी दूंगी कि जब जाएं, हम जाते तो डेली हैं कि कैमरा जरूर लेके जाएं। वैसे हमारा गंगा जी जाना मतलब 365 दिन के अंदर लगभग 360 दिन होता होगा अगर हम यहाँ ऋषिकेश में, हालांकि ऋषिकेश में ही रहते हैं और तो कहीं जाते नहीं, तो वो अब रेगुलर बनाया करेंगे। और भाई ये छोटा सा प्रयास अगर पसंद आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आज का कैसा लगा। वैसे ही बना दिया है ये डेली मतलब डेली व्लॉग लगभग कुछ इसी तरह का होगा जो आज हम मिक्स कर देंगे कभी जैसे ना बहुत से लोग कह रहे थे कि डेली डालिए आप। हाँ जी, कुछ डेली में तो मिक्स ही होगा, कुछ ना कुछ तो दिखाया करेंगे, पर इतने ज्यादा बोरिंग हम आपको नहीं होने देंगे, इतने ज्यादा बोरिंग नहीं। बोरिंग होगा तो हम अपने पुराने वाले उस पर वापस आ जाएंगे, हम खुद ही आ जाएंगे। और पहली बात तो हमारा जो जब तक हमारा मन नहीं लगेगा ना, हम कुछ भी नहीं दिखाने वाले। अगर हमारा मन करेगा तो दिखाएंगे, नहीं दिखाएगा तो मुझे नहीं बनाएंगे। तो भाई मिलते हैं एक बढ़िया से ब्लॉग में, जो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने कर रखा है वो एक बार चेक कर लीजिए। तो भाई मिलते हैं एक बढ़िया से ब्लॉग में कल, कल यानी संडे को। तब तक के लिए हर हर गंगे, हर हर गंगे।